27 की रात जो है वो कैफे इमरान जो है वो सहरी तक खुलता है। अस्सलाम वालेकुम। 27 की रात सहरी तक खुलेगा, बाकी ये कि आम दिनों में 2 बजे तक वो पैकअप कर देते हैं। तो आज चूँकि बड़ी रात है तो सैटरडे भी है और तो दुआएं वगैरह पढ़ के और करके जो है वो हम निकले हैं। तो अल्लाह के फजल करम से पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह तआला। तो अल्लाह की ज़ात से अच्छा, रात के यहाँ पर 2:15 का टाइम है, कराची में जो है वो देखिए आपकी माशाल्लाह से कितनी अच्छी रौनक है। ऐसे सन्नाटे नहीं हुए कि दिल घबराने लगे, अंधेरा लगे तो डर लगने लगे। शरा फैसल पर हैं इस वक्त, बड़ी अच्छी यहाँ पर रौनक है, गाड़ियाँ चल रही हैं ना। आगे जाके देखते हैं, आगे मुझे पता आगे जाके सन्नाटा मिलेगा ना, हमें कराची से निकलते हैं सन्नाटा मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं अच्छा, तो चलते हैं आगे दिखाते हैं जनाब। अब जैसे जैसे जो है वो हम कराची से बाहर, हम कराची से बाहर तो घर आ गए, लेकिन ये कि शहर से जैसे जैसे जा रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सन्नाटा होता चला जा रहा है। वीरानी में होती जा रही है अभी तो, खाली यहाँ पर मतलब थोड़ी सी आबादी आ गई है, पीछे वीरानी भी है ना। आगे भी जाके ना एक नज़र आ रहा है ना, जो ये पेट्रोल पंप के बाद जो वीरानी नज़र आ रही है ना, एक तो रात का काफ़ी लेट हो गया था और रास्ता भी जो था वो सिल का था। वैसे तो सन्नाटे वाला रास्ता था, ट्रैफिक आ जा रहा था, लेकिन ये कि आपके आसपास जो थे वो दुकानें वगैरह जो थी वो सब कुछ बंद हो चुका था और ज़ाहिर है खेत खलियान भी होंगे बीच में, अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था। रास्ता सेफ था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रोड बिल्कुल सही बनी हुई थी। बस ये कि सन्नाटा था, जो लोग पहली दफ़ा ट्रैवल करेंगे उनको डर लगेगा, लेकिन बाकी ये कि आपका रास्ता बिल्कुल सेफ था, रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई थी यहाँ पे। जी सर, उसके साथ दाल जी हाँ जी हाँ, बहुत मज़ेदार होती है। मैं अभी कोयटा गया, वहाँ से फिर मैं पिछला का रोज खाया मैंने, फिर मैं ज़्यारत किया था। आप बुला गया? हाँ सही है सर जी, याद था जी 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 हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम लोग देखो ना, रमजान चल रहा है जी जी, मैं 4 बजे से करता हूँ 4:30 जी हाँ, फिर शाम नहीं खाते, रात खाल रोज़ा खुलते हैं पैर के शरबत पकौड़ा ये, फिर खाना नहीं खाते। हर दफ़ा हम जब आके बैठते हैं तो बाहर बैठते हैं, लेकिन जिस दफ़ा हम जाएंगे अंदर रूम में आके बैठे हैं इसी टाइम जो है वो टाइम क्या हुआ ये थोड़ी देर पहले मानी का 3:28 हो रहे हैं जो है वो हम बस ऑर्डर दे चुके हैं। पहले ही हमने फ़ोन पर रोज वगैरह का ऑर्डर दे दिया था, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर आके ऑर्डर नहीं है, तो थोड़ी देर में बस आती है फिर वो आपको दिखाते हैं। और काफ़ी यहाँ पर गहमा गहमी है आज, काफ़ी अच्छा रश हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि फैमिलीज बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो लेडीज़ वगैरह भी है, तो इस वजह से हम जो है वो सिर्फ अपनी बना रहे हैं और हम खुद बैठे भी इसी तरह के हमारे बैग पे जो है वो आपको फैमिलीज नजर आए। तो जब खाना आता है जैसे सर्व होता है फिर आपको दिखाते हैं। सैनिटाइजर वगैरह सब अच्छा।
हमारा आ गया है, अभी स्टार्टर आया है। मज़ेदार सा खाना है, बहुत मज़ेदार है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टर हमने खा लिया, स्टार्टर बहुत मज़े का था, मज़ा आ रहा था खाकर ना, बहुत अच्छा था, सॉस वगैरह सब अच्छी थी। कैसा था ईशा, कैसा था ईशा? मैं देखा, मैंने कहा था ना डायनामाइट चिकन मंगाई है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया था। मेरे चिकन टेंडर्स अच्छे लगे, मुझे डायनामाइट चिकन अच्छी लगी, चिकन टेंडर वाले हैं, और ये गार्लिक है, ये तिल वाले हैं, हमने हर चीज रोटी की, क्योंकि मैदे की सफेद आटे की होती है। नमकीन रोटी जो थी इनकी बहुत अच्छी थी। अब हम रोश ट्राई करते हैं, रोश कैसा है, रोश कैसा है? अच्छा, अच्छा। नमकीन रोटी कैसी है? चलो जी खाना मसाला होता है, लस्सी आ गई नमकीन वाली हमारे पास ना, नहीं नमकीन मसालेदार, क्योंकि देखिए मसाला भी डाला, मसाला भी डाला हुआ है। खाना बहुत मज़ेदार, बहुत खाना। एक आप लोगों ने हैदराबाद में रोज खाया था, और एक यहाँ वाला, यहाँ का हमेशा माँ के रोज जरूर खाना, पूरे कोटा में ऐसा नहीं। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना तकरीबन खा लिया था, लस्सी वगैरह बस पी रहे थे, नमकीन लस्सी हमने मंगाई थी, यहाँ दोनों ऑप्शन थे, मीठी भी मंगा सकते थे और नमकीन भी, हमने नमकीन मंगाई थी। स्टाफ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत आपको मतलब जिस तरह से खाना सर्व करते हैं मुसलसल आपसे आके पूछते रहते हैं, ऑनर इनके बहुत अच्छे, साथ साथ हमारे वो भी थे, और हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से आ रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन्हीं का हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिया हुआ है, और जब हमें आना होता है तो हम उससे पहले इनको फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि इनका रोश वगैरह जो है जब तक हम पहुंचते हैं तो कभी होगा कि ख़त्म हो गया, तो इस वजह से हम इनको फ़ोन कर देते हैं और ये हमारे लिए फिर उठा के रख देते हैं। अभी भी यही था कि हमने रोश जो था वो रखवा दिया था, बाकी चीज़ों का ऑर्डर हमने यहाँ पर आ कर दिया था। मैं भी बहुत फनी लग रही हूँ, मेरे मुझे आ गई है। अच्छी मेरे मुझे आ गई है ना, चल जल्दी से पी लो। दाल हमने मंगाई थी, दाल आ गई है, रिफिल कर आई है, हाँ बहुत अच्छी है दाल, बहुत टेस्टी मैंने खाना खा लिया है, लस्सी वगैरह भी पी ली थी, और अब टाइम जो है वो तकरीबन बोलिए टाइम बताइए ज़रा, बस अब हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि 4:20 हम निकलेंगे बस अब, क्योंकि घर भी जाना है हमें कराची, पौन घंटा लगेगा, अब नींद आ रही है, घर जाके नमाज भी पढ़ी है, तो बस निकलते हैं, बस यहाँ पे बिल वगैरह पे था हमारा आ चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी सी सैरी हो चुकी थी। देखिए बाहर भी इनका सेटअप है, यहाँ पे तख्त वगैरह लगे हैं, इनका जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो जी बस हम यहाँ से निकल गए हैं खारों से, और तकरीबन जो है वो 5:45 का टाइम
आज की वीडियो को बस अब यहीं पर एंड करूंगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर